सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार सा। स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी फास्ट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं और स्क्रीन पे भी देख रहे, चुनाव चिन्ह कैसे जाने, बिहार पंचायत चुनाव 2021 ऐसे देखे चुनाव चिन्ह। तो यानी आज के वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार पंचायत चुनाव पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, या फिर अपने क्षेत्र में कौन कौन लोगों को कौन कौन सी छाप मिली है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पता करें ऑनलाइन चुनाव चिन्ह किसको कौन सा मिला है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस तरह के नए वीडियोस में सबसे पहले आप तक लाता रहूं। यहाँ पर दोस्तों अपने गूगल पे आ जाना है दोस्तों, एंड यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको टाइप करना है सरकारी फास्ट। यहाँ दोस्तों सरकारी फास्ट जैसे ही टाइप करते हैं दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट पे आपको sarkarifast.blogspot.com करके मिल जाएगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है दोस्तों। ओपन करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सरकारी फास्ट ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक sarkarifast.blogspot.com करके है दोस्तों। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो यहाँ क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों और यहाँ पर हमारा सेकंड चैनल और फर्स्ट चैनल दोनों का लिंक है, आप जाके तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिहार पंचायत चुनाव चिन्ह कैसे पता करें ऑनलाइन। इससे पहले भी मैंने बताया था बिहार इलेक्शन नॉमिनेशन स्टेटस चेक, और उससे पहले ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे करते हैं, इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पर अपडेट आती रहती है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया बिहार पंचायत चुनाव का चिन्ह कैसे पता करें, तो आपको ये वाला लिंक पर क्लिक कर लेना। ऐसे इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप आसानी से इस पेज पे आ सको। तो आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा, तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर सारी जानकारी दी गई दोस्तों, कैसे आपको चेक करना और कैसे नहीं, इसकी यहाँ पर लिंक भी अपडेट कर दी गई दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आपको राइट नीचे जाना है, एंड यहाँ पर चुनाव चिन्ह कैसे देखे ऑनलाइन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना दोस्तों। उससे पहले भी मैंने बताया था बिहार चुनाव नॉमिनेशन स्टेटस नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक दिया गया और वीडियो वगैरह भी दिया गया। सदित बिहार पंचायत चुनाव रिजल्ट जिस जगह हो चुका है चुनाव, उसका रिजल्ट भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुआ तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। तो चुनाव चिन्ह देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक है पर क्लिक करना है दोस्तों। तो जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल पेज है यहाँ आ जाएगा। अब उसको चरण चूज करना है, ये फेज, तो फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6। ये फेज जो होता है दोस्तों चरण के माध्यम से, आप लोगों को पता है कि बिहार में 15 चरण पे जो है इलेक्शन करवाया जा रहा था, अभी यहाँ 6 चरण हो चुका है दोस्तों। तो आप दोस्तों जिस भी चरण पे आपका जो है बिलोंग करते हैं, जिस भी चरण से, उस चरण को आपको चूज कर लेना है, एंड तभी पद का नाम आ जाएगा, एंड जो भी पद के लिए आपको चेक करना वो पद आ जाएगा यहाँ पर ही। एंड यहाँ पर ही आपका जिला, जो भी जिला है दोस्तों उस जिला को आपको चूज कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर ही मैं चूज कर लेता हूँ, यहाँ एक जिला मैंने चूज कर लिया, एंड प्रखंड आपको चूज कर लेना। तो यहाँ पर देखते प्रखंड के बारे में बता दूं कि अभी यहाँ बाराहाट जो एक प्रखंड है, बस अभी यहीं पर ही इलेक्शन हुआ है बोल के यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अभी बांका में और भी प्रखंड है जो यहाँ पर ही नहीं हुआ, अभी बांका में पूरे जगह में अभी एक ही जगह हुआ जिसका आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा था, बाराहाट। एंड इसी तरह से आपका भी अगर आपका एक ही दिखाएगा या दो ही दिखाएगा, तो समझ लो अभी आपके पूरे जो जिले में सब जगह आपका भी नहीं हुआ है इलेक्शन। तो जो जिस जगह पे इलेक्शन हो गया उसका आपको यहाँ पर दिखा रहा है, जहाँ जहाँ आपको मिल चुका है छाप उसका यहाँ पर दिखाता है दोस्तों। तो प्रखंड मैंने चूज कर लिया, एंड यहाँ पंचायत का नाम, तो जो भी पंचायत है दोस्तों वो आपको पंचायत आपको डाल लेना, एंड यहाँ पर 100 पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर जिला का नाम आ गया, प्रखंड आ गया, पंचायत आ गया, एंड यहाँ पद का नाम, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत मुखिया, निर्वाचन क्षेत्र संख्या आपको देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम आ गया, साथ ही साथ अभ्यर्थी का पता, तो यहाँ पर अभ्यर्थी का पूरा पता है आपको देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ जो उनको छाप मिला देख सकते हैं मोती का माला, यहाँ पर उनका जो है छाप दोस्तों इस तरह से दिया गया। फिर सेकेंड आप देखते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर भी है अभ्यर्थी का नाम है, एंड इनको ढोलक छाप दिया गया दोस्तों। फिर इसी तरह से तीसरा में आप देखते हैं तो यहाँ पर कलम और दावत दिया गया है, टेम्पो दिया गया है दोस्तों, पुल दिया है, सबका नाम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि किसको किसको कौन कौन सी छाप दी गई है दोस्तों। तो यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं ऑनलाइन
कि अगर आप भी नॉमिनेशन भरे या आप भी चेक करना चाहते हैं आपके क्षेत्र में किन किन लोगों को कौन कौन सा छाप दिया गया, तो आप ऑनलाइन यहाँ से चेक कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा कि बिहार पंचायत चुनाव का जो है ऑनलाइन आपको जो है छाप चिन्ह कैसे चेक करना है ऑनलाइन कि आपको कौन सा छाप मिला है आपको यहाँ इस पोस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी आपको समझ में आ ही गया दोस्तों। अगर समझ में आ गया तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को भी एक लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहे जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे।